इंग्लिश बुक। हमारा आज का जो यूनिट है वो 11 है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? इंग्लिश में तीन तरह के टेंसेस होते हैं, जिस तरह उर्दू में होते हैं। एक होता है प्रेजेंट यानी कि मौजूदा, दूसरा होता है पास्ट यानी कि गुज़रा हुआ, तीसरा होता है फ्यूचर यानी कि जो आएगा। तो पास्ट टेंस क्या होता है? गुज़रा हुआ यानी कि जब हम कोई काम कर लेते हैं, कोई भी काम अगर हुआ है माजी में। द पास्ट टेंस शोज़ एन एक्शन डेट हैपन्ड इन द पास्ट। पास्ट टेंस उस एक्शन को शो करता है जो कि माजी में हुआ है, यानी आपने कोई काम माजी में किया है। यू कैन एड ई डी टू द एंड ऑफ सम वर्ब्स डूइंग वर्ड्स टू शो डैट एन एक्शन हैपन इन द पास्ट। कहता है आपने ई डी लगाना है वर्ब्स के एंड पर, जिससे ये पता चलेगा कि एक्शन जो है ये माजी में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक जो है ये हम प्रेजेंट में लगाते थे, लेकिन साथ में अगर ई डी लगा दें वर्ब के साथ तो इसका मतलब ये पास्ट में चला जाएगा। जिस तरह वॉक प्लस ई डी वॉक्ड यानी कि वो चला। अभी हमने ई डी इन वर्ड्स के साथ लगाना है, कॉल प्लस ई डी कॉल्ड यानी कि किसी ने कॉल की, जंप प्लस ई डी यानी कि किसी ने जंप मारा, टॉक प्लस ई डी बात की, किक प्लस ई डी किक लगाई, वॉक प्लस ई डी चला, लुक प्लस ई डी देखा, पुश प्लस ई डी धक्का दिया या फोर्स लगाई कोई, लाफ प्लस ई डी लाफ्ड यानी कि हंसा, पुश्ड लुक्ड वॉक्ड ओके, किक्ड टॉक्ड जंप्ड कॉल्ड। तो इस तरह के ये वर्ड्स होते हैं। तो हमारे पास एक असेसमेंट एक्टिविटी है, इससे हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। टुडे इज़ सैटरडे, आज हफ्ता है। व्हाट डिड ज़ाहरा डू यस्टरडे, कि ज़ाहरा ने कल क्या किया, यानी कि ज़ाहरा ने कल क्या किया, गुजरे हुए दिन में उसने क्या किया। सर्कल द करेक्ट वर्ड, सही जो वर्ड है उस पर हमने सर्कल लगाना है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, पहला आपके लिए कर दिया गया है। जिस तरह शी वॉश्ड, यहाँ वॉश्ड आएगा या वॉश आएगा, हर हैंड्स यहाँ आएगा वॉश्ड, यानी कि हमने ई डी लगाना है वर्ब के साथ। वॉश वर्ब था और साथ में हमने ई डी लगाना है। शी वॉश्ड हर हैंड्स, शी वॉक्ड टू स्कूल, यहाँ आपने इस पर सर्कल लगाना है। आपने इस पर सर्कल नहीं लगाना, आपने सर्कल इस पर लगाना है, शी वॉक्ड टू स्कूल। नेक्स्ट हम नीचे अगर बात करें तो वहाँ आएगा शी जंप ओवर अ रोप, ठीक है। नेक्स्ट आएगा शी एंटर्ड द क्लासरूम, नेक्स्ट आएगा शी प्लेड विद हर फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आएगा शी वॉच्ड टीवी। अगर हम इनकी उर्दू की बात करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह शी वॉच्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ धोए, शी वॉक्ड टू स्कूल, वो स्कूल गई। नेक्स्ट आएगा शी जंप्ड ओवर अ रॉक, उसने रॉक यानी कि पत्थर के ऊपर जंप किया। शी एंटर्ड द क्लास रूम, वो क्लास रूम में दाखिल हुई। नीचे आएगा शी प्लेड विद हर फ्रेंड्स, वो अपनी सहेलियों के साथ खेली। फिर आएगा शी वॉच टीवी, उसने टीवी देखा। तो इस तरह ये होते हैं। नेक्स्ट हम कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.